हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास अपनी सेना नहीं है। यह देश दुनिया का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली देश है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो यह देश विश्व में चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले यूरोप के सबसे सुंदर देशों में से एक देश आइसलैंड की। दोस्तों, आइसलैंड नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ से ढके हुए एक द्वीप की तस्वीर उभर कर आई होगी। उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित आइसलैंड एक बहुत ही सुंदर देश है। इस देश के चप्पे चप्पे पर प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। आइसलैंड की करेंसी का नाम आइसलैंडिक क्रोना है और एक भारतीय रुपए की कीमत लगभग 1.70 आइसलैंडिक क्रोना के बराबर होती है। यानी कि अगर घूमने की बात की जाए तो यह देश हम भारतीयों के लिए बहुत ही सस्ता देश है। खूबसूरत ग्लेशियर्स और वाटरफॉल्स से सजे इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जो इसे अद्भुत बनाती है। आइसलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 3,80,000 के आसपास है। इस देश की राजधानी का नाम रेकजोविक है और मजे की बात यह है कि आइसलैंड की आधी जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। इस खूबसूरत देश पर पहले नॉर्वे और बाद में डेनमार्क ने राज किया है। नॉर्थ पोल के नजदीक होने के कारण आइसलैंड में जून और जुलाई में लगातार 2 महीनों तक सूर्य अस्त नहीं होता है। यानी यहाँ पर लगातार 2 महीने तक रात नहीं होती है। इस दौरान यहाँ के स्थानीय लोग गोल्फ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ जहाँ दुनिया के दूसरे देश प्रदूषण और कचरे से प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वहीं आइसलैंड को हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली देश करार दिया गया है। इस देश के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ने फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा स्थान मिला है। खुश मिजाजी के कारण यहाँ अपराध इतने कम हैं कि पुलिस को गन या अन्य हथियार रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि आइसलैंड के पास अपनी कोई सेना भी नहीं है। मित्रों, इस देश में 0% क्राइम रेट है। यहाँ पर चोरी और मर्डर जैसी वारदातें नहीं होती। आइसलैंड अपने नाम के अनुरूप एक बर्फीला देश है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ के ग्लेशियर्स है। यहाँ के लोगों को फिशिंग करना ज्यादा पसंद है। फिशिंग यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा में से एक है। इस कारण यहाँ की सरकार ने 320 किलोमीटर का एक फिशिंग जोन बना रखा है। अक्सर देखा गया है कि ठंडे प्रदेशों में जहाँ का तापमान सालों साल शून्य से भी नीचे बना रहता हो, वहाँ के लोगों में यह धारणा होती है कि वहाँ काम बहुत कम होता है। लेकिन आइसलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ यूरोप के अन्य देशों की तुलना में ज्यादा काम किया जाता है। आइसलैंड के लोग आमतौर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। आइसलैंड में हाइजीन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि यहाँ झरनों में नहाने के लिए लोगों को अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कपड़ों में कई हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो झरने के पानी में मिलकर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी की भरमार है। यहाँ लगभग हर 4 साल में एक ज्वालामुखी जरूर फटता है। आइसलैंड में ज्वालामुखी ही नहीं बल्कि बहुत सारे झरने भी हैं। यहाँ ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन ज्वालामुखियों के असर से यहाँ बहुत से झरने गर्म पानी वाले हैं। इन झरनों में सालों साल गर्म पानी आता है जिस कारण सैलानियों को उनमें तैरने में मजा आता है। मित्रों, जहाँ हमारे देश में हर किसी का कोई ना कोई सरनेम जरूर होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड में किसी भी व्यक्ति का सरनेम नहीं होता। वहाँ के लोग नाम रखने के लिए नॉर्डिक परंपरा का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत पहले बच्चे का नाम होता है, उसके बाद माता या फिर पिता का नाम, और फिर उसके नाम में सन या फिर होटर जोड़ दिया जाता है। तो मित्रों, यह तो दुनिया का एक छोटा सा देश आइसलैंड। उम्मीद करते हैं हमारा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।